बजाय डायरेक्ट निकाह। लेकिन प्लीज थोड़े दिन के लिए अपना मूड और टेम्परमेंट को कंट्रोल में रखना तबरेज के सामने। कुछ बातें और चाहते अधूरी रह जाती, इसलिए उन्हें भूल जाना ही बेहतर होता है। देख तो मुझे तेरी समझ नहीं आती है कि तू क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अभी तेरी उम्र ही क्या है, तू दूसरी शादी करके घर बसा ले। शमा से शादी मैंने घर बसाने के लिए ही की थी, पर मेरी जिंदगी में ऐसा हो जाएगा मैंने नहीं सोचा था। अब दूसरी शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो ये जिंदगी है, यहाँ पर क्या से क्या हो जाता है, और इंसान जो सोचता है वैसा नहीं होता। और किसी के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है, सोच ले तू। मैंने सोच लिया, और अब आप देखिएगा मैं करता क्या हूँ। क्या करेगा, कुछ बुरा किया ना तो बुरी बात है। मैं पागल नहीं हूँ, कर लूंगा जो दिल में आए। ठीक है भाई, जो करना है कर। कुछ बातें और चाहते अधूरी रह जाती, इसलिए उन्हें भूल जाना ही बेहतर। जी मॉम। अरे तुम कहाँ हो तबरेज, अभी तक नहीं पहुँचे? रस्ते में हूँ, खैरियत है? कहीं जाना है क्या? भाई हॉल की बुकिंग करवानी है, मेन्यू सेट करना है, और भी छोटे मोटे काम हैं। मॉम ये सब काम आप कुरैशी साहब के साथ मिलके कर लें, मुझ पे ऑफिस का वैसे ही बहुत बर्डन है। हाँ हाँ मैं जानती हूँ कि काम का बर्डन है तुम्हारे ऊपर। हैरत है, सब कुछ जानते हुए भी आप अपने बेटे की कोई मदद नहीं कर रही। भाई तुम्हारी बिजनेस और लाइफ सेटल हो जाएगी और कैसे हेल्प करूं मैं तुम्हारी। और मॉम मेरा प्यार वो भी हो जाएगा रीम से शादी के बाद। आजकल ऐसे मौजे कम ही होते हैं मॉम। बेटा ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए तो कर रही हूँ, तुम एक दफा मिलके तो देखो रीम से, शी इज अ वेरी नाइस गर्ल। प्लीज मॉम अब सब कुछ आपकी मर्जी से ही हो रहा है, एटलीस्ट रीम से मोहब्बत के लिए आप मुझे मजबूर नहीं कर सकती। तुम कोशिश तो करके देखो, और अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखना फंक्शन के दिन, किसी को कुछ एहसास ना हो। डोंट वरी मॉम, जब आपको अपने बेटे की तड़प ही महसूस नहीं हो रही तो किसी और को क्या पता चलेगा। आप फिक्र मत करें, मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं करूंगा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज। हेलो हाफिज। क्या नाम बताया था आपने अपना? तबरेज। अच्छा ये बताओ बेटा तुम करते क्या हो? वो बस एक छोटा सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। अब्बा डॉक्टर ने कहा है अपना खास ख्याल रखिएगा। अम्मा अब्बा को दवाई वक्त पे दीजिएगा। हमें अपना वादा याद है। आइए डॉक्टर साहब, ये है वो लोग, इन्होंने मेरी बीवी को जबरदस्ती यहाँ रखा हुआ है। ओए इधर छुपा के रखा है लड़की को। आराम से आराम से। ओए एक तो कानून तोड़ता है, ऊपर से अड़ीबाजी करता है। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, बात क्या हुई? अभी भी कंप्लेन हुई है आपकी, और लड़की का छुपा के रखी है आप लोगों ने। देखें आपको गलत फहमी हुई, मैंने अपनी बेटी को हिफ्ज़े वेजा में नहीं रखा हुआ, वो अपनी मर्जी से यहाँ रह रही। इंस्पेक्टर साहब इन्होंने मेरी बीवी को मेरे खिलाफ बरगला है, मुझे अपनी बीवी चाहिए बस। तैमूर मैंने बड़ा लिहाज कर लिया तेरे बहनों ही होने का, अब और नहीं करूंगा। ओए आराम से। ओ बुजुर्गो ओ क्यों उस उम्र में तमाशा बनाते हो, और दो दो उसकी बीवी। आप मेरी बेटी को बुला के उससे खुद पूछ लें, वो अपनी मर्जी से यहाँ रह रही है। क्या हुआ अब्बा, और ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? इंस्पेक्टर साहब यही है मेरी बीवी शमा, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो। क्या किसको लेने आया? वो बीवी वो तुम्हारा शोर कह रहा है कि तुम्हारे घर वालों ने जबरदस्ती तुम्हें यहाँ बिठा के रखा हुआ है। झूठ बोल रही है, मैं खुद इसके साथ जाना नहीं चाहती, इनफैक्ट ये तो मुझे मारपीट भी करता है। अच्छा चलो फिर सब थाने चलो, वो उधर जाके पता चल जाएगा कौन सच्चा और कौन झूठा। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट। क्या एक मिनट? एक मिनट मेरी बात तो सुने, अब चलें तो सही। इंस्पेक्टर साहब बात सुने, कहाँ जा रहे हैं आप?
करना जी, वो हमारे पास कंप्लेन आया, हमें एक्शन तो लेना पड़ता है। वो असल बात तो हमें अब मालूम हुई है। क्या क्या मतलब? ओ बुजुर्गो, आप भी रिलैक्स करें, वो भाई ने हमें समझा दिया है, हम चलते हैं। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आप तो मेरी बीवी को बरामद करने आए थे ना, आप कैसे जा सकते हैं? ओ भाई, वो मिल बैठ के फैमिली मैटर है सुलझा लो, वो खामगा पुलिस का टाइम बर्बाद ना करो। समझ गया मैं, रिश्वत लिया आप लोगों ने, रिश्वत, ऊपर तक जाऊंगा मैं। ओए पुलिस को धमकाता है, वो अंदर कर दूंगा मैं तुझे, आ जवान। इंस्पेक्टर साहब, अब खुद से चला जाएगा या चार बंदों के कंधों पे भेजूं? जा रहा हूं। तुमने पुलिस को रिश्वत दी थी? अब्बा ये लोग रिश्वत के बगैर रहते कहाँ हैं? तैमूर से लेकर आए थे, मुझसे लेकर चले गए, वरना अभी हम सब थाने में बैठे होते। पता नहीं क्या बनेगा इस मुल्क का, सारे का सारा सिस्टम ही खराब है। अब्बा आप इस सिस्टम का सोचकर अपनी तबीयत क्यों खराब कर रहे हैं? इस बारे में मत सोचिए। बहुत है ना, कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, पड़ गई कलेजे को ठंड। बस कर दे, पहले मेरे सर में दर्द हो रहा है, ऊपर से आप शुरू हो जाया करें। ये सर दर्द तूने पाली हुई है, मिट्टी डाल इस क्षमा पर, तेरे लिए बहुत लड़की है। मिट्टी डाल दूं? मेरी औलाद का क्या? औलाद तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पांच छह बच्ची है, मेरी औलाद का क्या? वो बच्चा पैदा करने वाली नहीं है, ये याद रखना। अगर उसने ऐसा वैसा कुछ किया ना, उसे जान से मार दूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। बहुत बातें करनी आती तुझे, जान से मार दूंगा। अरे रब्बो, एक ही औलाद पैदा की है, वो भी ऐसी। क्या सोच रही हो शमा? कहा था ना, शमा की किस्मत इतनी गई गुजरी नहीं कि मुझे उस लंगूर के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारनी पड़े। बड़ा आया, बीवी को लेने आया हूं। बेचारा, तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो शमा? तुम्हें अंदाजा भी है कि तैमूर भाई तुमसे कितना प्यार करते हैं? आज के दौर में प्यार क्या बेचता है? पैसे से बड़ा कोई एक्श नहीं मेरी बहन। अच्छा, तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए कोई बहुत पैसे वाला आएगा और तुमसे शादी करेगा? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। और तुम क्यों तैमूर और उसके सस्ते से प्यार की इतनी वकालत कर रही हो? कहीं तुम भी तो किसी से सस्ता सा एक्श तो नहीं कर बैठी? उससे बात करना ही फिजूल। मॉम कॉल क्यों नहीं उठा रही है? व्हाट्स रॉन्ग मामा, प्लीज कॉल उठाओ। अगर आज तुम मुझसे ना मिली तो याद रखना, मैं भूल जाऊंगा कि हमारा क्या रिश्ता, और वो हाल करूंगा तुम्हारा, तुम्हारे सगे भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। अम्मा ले लें, जरूरत पड़ेगी, और अब्बा को अच्छी खुराक की जरूरत है, और फिर घर के और भी तो अखराजात हैं। तुम हो ना सब करने के लिए। अम्मा ये बचकानी बातें मत करें, अब्बा आप काम नहीं कर सकते, उनकी सैलरी नहीं आएगी। तुम कोई काम कर लो ना, हमारा गुजारा हो जाएगा। काम? अम्मा मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, और ये मजदूरी मुझसे नहीं होगी, मुझे बस एक ही काम आता है। बेटा तुमने तो अपने अब्बा से वादा किया था कि ये सब कुछ छोड़ दोगे। अम्मा छोड़ दूंगा, लेकिन जब तक मैं इतना पैसा ना कमा लूं कि अपना काम खुद कर सकूं, तब तक नहीं। अब्बा आप क्यों उठ गए? आपकी तो तबीयत खराब है। दिमाग तो मेरा खराब था कि जानते बूझते मैंने तुम जैसे आवारा पर यकीन कर लिया। क्या हो गया आपको? अरे तुम चुप रहो, बीच में मत आओ तुम। अम्मा आप मत बोलें। बताओ क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? अब्बा मैंने झूठ नहीं बोला,
मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। लेकिन तब तक तुम इन मासूम लोगों को लूटते रहोगे, मारते रहोगे। अब्बा, वो लोग मासूम नहीं है, वो हम जैसे लोगों के मुजरिम है। वो लोग खुद तो आलीशान महलों में बैठकर ऐश कर रहे होते, और हम जैसे लोग उनके सर्वेंट क्वार्टर में पड़े पड़े दम तोड़ देते हैं। लेकिन कोई कायदा कानून तुम्हें ये हक नहीं देता कि तुम मासूम लोगों को लूटते फिरो। ये ईमानदारी, ये रिस्क हलाल, ये कायदे बस स्कूल में ही अच्छे लगते थे अब्बा, अब कौन सा कानून? गंध को जितना मर्जी चमकदार कागज में लपेट दो ना, वो गंध ही रहता है। अब्बा प्लीज प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दें। तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, तुम जा सकते हो। क्या कह रहे हैं आप? हद करते हैं आप भी। जब जी चाह गले लगा लिया, जब जी चाह उतार दिया। नहीं जाने दूंगी अपने बेटे को, नहीं जाने दूंगी मैं। अगर ऐसा ही है तो तुम भी साथ जा सकती हो। नहीं अम्मा, नहीं अम्मा, मैं चला जाता हूं। अब्बा इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे बाहर? जलाल को फिर घर से निकाल दिया है। वो क्यों? वही रोना, या घर छोड़ दो या काम छोड़ दो। तो अम्मा वो क्यों नहीं छोड़ देता ये सब कुछ? कह तो रहा था कि छोड़ दूंगा, कोई समझे तब ना। अरे छोड़े अम्मा आप अब्बा को, उनका तो यही चल रहा है, ना खेलते है ना खेलने देते है। मुझे वैसे हैरत है कि तुम्हारे लिए कैसे उनका जहन बदल गया, कैसे मान गए? जहन और हुकूमतें बदलने के लिए ना बड़ी सियासतें लड़ानी पड़ती हैं अम्मा। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है इस बच्चे की। क्या मुस्तकबिल होगा इसका? बच्चा होगा तो मुस्तकबिल होगा ना। ये क्या तुम मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती रहती हो? इसे जलाल ने भी कितनी चलाकी दिखाई ना अम्मा, कैसे तैमूर को अपने मुंह की खानी पड़ी। बड़ाया मेरी बीवी वाला। वैसे मेरा जलाल है बहुत ज़हीन, पता नहीं तुम्हारे अब्बा को ही क्यों बह रहे उसके साथ। अरे अम्मा आप जानती तो हैं, अब्बा को उससे नहीं, उसकी जो हरकतें हैं ना उल्टी सीधी, इनसे चिढ़। तुम चुप करो, आई बड़ी अब्बा की चमची हर वक्त उन्हीं की साइड लेती रहती है, बिल्कुल उन पर ले लिया। नसीहत की तलवार हाथ में लिए घूमती है। बस कर दो तुम दोनों, अब तुम लोग आपस में शुरू ना हो जाना, घर में पहले बहुत सारे मसले। हेलो, आप कौन? तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम मुझसे मिलने तो आए नहीं, तो मैंने सोचा मैं खुद चलकर आ जाऊं तुमसे मिलने। इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। क्या हो गया यार, मेहमानों के साथ कोई ऐसा सलूक करता है क्या? तुम क्यों आए हो यहाँ? बताया तो है अभी, तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। चलो बैठ के कुछ बातें करते हैं, कुछ पुरानी यादें ताजा करते हैं, बहुत मजा आएगा। तुम जाते हो या मैं गार्ड को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवाऊँ यहाँ से? बुलाओ बुलाओ, अपनी इस हरकत पे बहुत पछतावा होगा तुम्हें। क्या मतलब है इस बात का? समझ जाओगी आहिस्ता आहिस्ता, इतनी भी क्या जल्दी है। और वैसे भी आज भी तुम पहले की तरह बात को समझने में बहुत वक्त लगाती हो। देखो असद, तुम बहुत अच्छे से देख रहा हूँ, कितनी हसीन हो गई मुझसे बिछड़ने के बाद।
अपनी औकात में रहो, समझे? औकात? और तुमने जो मुझे अपनी औकात दिखाई है वो मेरे होते हुए किसी और से शादी कैसे कर सकती हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ! क्या बदतमीजी है, क्यों छीन रहे हो मेरा पर्स? अच्छा क्या बदतमीजी है? ये क्या है, बस इतने से? बस इतने बड़े बाप की बेटी और ये? चलो कोई बात, मैं इसी से गुजारा करूंगा, फिर मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्द। अपना बहुत ख्याल रखना, गुड बाय। Hi everybody, this is Kubra Khan. As you know, the Parvaz-e Junoon is releasing this Eid ul Azha. Go grab your tickets right now before it's too late, because you're going to really miss that if you don't watch the movie, and you don't want to do that. Aa jao bhaiyo, tu phone bhi chhod liya isne. Maine koi phone nahi, oye meri biwi hai yaar tu. Tu mera mobile bhai, bhai maro maro maro. Shukriya, chhodna nahi isko, bahut maarna. Aap ye please le lijiye, mujhe der ho rahi hai. Nahi, main ye nahi le sakta. Theek hai. सावली।